हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सुरेखा इजी रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू ब्रेड रोल। पहले ब्रेड ले, ब्रेड के सारे कोने काट दीजिए, चारों कोने काट दीजिए इस तरह से। ब्रेड को अच्छे से काटने के बाद आपको स्मैश किए हुए आलू लेने हैं। स्मैश किए आलू के लिए आपको 3-4 आलू लेना है, उसे गर्म पानी में बॉईल करना है, फिर उसके छिलके निकाल के उसको स्मैश कर लेना है। अब इसमें आपको हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, करी पत्ते को अच्छे से मिक्सर में पीस के उसका पेस्ट बना लेना है। फिर आप ये पेस्ट को डाल दीजिए आलू में, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना तीखा डाल दीजिए। फिर इसमें जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ब्रेड को पानी में डुबो के एक बाउल में डाल दीजिए इस तरह से। अब ब्रेड को अच्छे से मिक्स करके उसका डो बना लीजिए। अब आप गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। अब ब्रेड का डो हाथ में थोड़ा थोड़ा लीजिए और उसको राउंड करके उसको चपटा करिए, और फिर उसमें आलू का जो मिश्रण हमने बनाया है वो डाल दीजिए इस तरह से। अब इसे अच्छी तरह से बंद कीजिए और रोल करें इस तरह से। अब 2 चम्मच मैदा लीजिए और फिर उसमें पानी मिलाइए, उसका बैटर बना लीजिए। फिर उसमें ये रोल्स डाल दीजिए। अब इसे ब्रेड क्रम्स में डाल दीजिए और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए। ऐसे ही आपको सारे रोल्स बना लेने हैं। अब इन रोल्स को गरम तेल में डाल दीजिए और इसे अच्छे से फ्राई करिए गोल्डन ब्राउन होने तक। अब ये अच्छे से फ्राई करके हो चुके हैं तो हम इसे अब प्लेट पे निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी है, तो आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं। आप इसे दही के साथ या फिर आप टमाटो सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching.